हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रितु गहलोत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि अब नॉर्मल मेरे को मैंने सोचा है कि मैं कम से कम 2 दिन ब्लॉग लेके आ पाऊँ आपके लिए। तो बस आज अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज एक पार्सल आने वाला है। तो मुझे आपको बताना है कि क्या पार्सल आया है, क्या मंगवाया है हमने। तो उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना होगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत से लोग इस अलमारी के बारे में पूछ रहे हैं मुझसे। जब से मैं ये वीडियोस में डालती हूँ या दृष्टि के भी वीडियोस जैसे कि इंस्टा पे मैं डालती हूँ, तो बहुत लोग पूछते हैं अलमारी कहाँ से ली, क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने अमेजोन से बाय की थी। तो उसका लिंक मैं आपके साथ जरूर से शेयर कर दूँगी। तो ये जो अलमारी है ये मैंने, हाँ, 2300-2400 के आसपास ली थी। और इस अलमारी का एक और ऊपर बड़ा पोर्शन था, मतलब जैसे ये इतनी हाइट है ना, 1 2 3 4, 4 पोर्शन है इसके। लेकिन हमने क्या है, ये स्पीकर रखने की वजह से इसमें आ नहीं रहा था। तो हमने इसमें एक बॉक्स हटा के उसको इस तरह से, वहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बॉक्स अलग से बना दिया। तो उस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। और उसमें यहाँ जैसे कि क्लिप्स भी आते हैं, अगर आपकी क्लिप्स टूट जाती है तो आपको एडवांस में, मतलब एक्स्ट्रा और क्लिप्स मिलती है, आप वो भी के साथ रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छे से आराम से इसमें कपड़े जैसे कि सेट हो जाते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने इसमें सारा अच्छे से अरेंज कर रखा है, सब कुछ कपड़े इस तरह से इसमें सेट हो जाते हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम वो कपड़े वाली लंबी वाली अलमारी जैसे कि लेते हैं, आपको पता ही है पहले से ही हम लोग वही अलमारी यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने ये वाली यूज़ की है तब से, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिंक आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ इसका, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगी इसका लिंक आपको दे दूं, ठीक है? तो चलिए, अभी मैं नॉर्मल डेली रूटीन वर्क लगती हूँ क्योंकि दृष्टि को स्कूल से छोड़ आई हूँ। और अभी बस थोड़ा बहुत रूम मैश पड़ा है, वो साफ़ करेंगे। और जैसा भी है बने रहे मेरे साथ। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, हम आ गए किचन में। औरतों की सबसे फेवरेट प्लेस है किचन। कुछ भी हो किचन में चलो, कुछ भी हो किचन में चलो, सुबह किचन, शाम किचन। ये सोते टाइम तक क्या है, किचन फिनिश ही नहीं होता है, नहीं है? किचन, खाना, बर्तन, बस यही। नो सैटरडे, नो संडे, नो मंडे। चाय बनाती क्या? बना के पी लिया। आज हम ही लेते हैं, हम नीचे बैठ गए थे। सो गाइस, मेरे बाल तोड़े। मेरे बाल तोड़ दिए, मेरे बाल उतरते हैं वैसे ही। इस नालायक लड़की ने बाल तोड़े हैं मेरे। तो वो हल्का सा ऐसे ही तो निकलते हैं, ऐसे तो निकलते हैं। और तूने क्या होता, तू तो नहीं, इसीलिए मैं जुड़ा रखती हूँ। पर आज मैं खाली रबड़ डाल रहा हूँ। हे भगवान, गर्मी, हाई गर्मी। वो मैंने बोला आपने, आपको भेजा था वीडियो। कौन सा? वो जो कपड़ा, कौन सा जो कपड़ा पहन वो ऐसा उसमें डाक कवर करके मैंने भेजा था ना एक दो आपको। सुबह सुबह कोई काम नहीं है हमारे, किचन में हम दोनों मस्ती करते थे। क्या बोलते इसको, हमारा है? हमारा मना लिया। तो सही में टक करके साउन आया। तो ये हमारे भाभी जी पानी पीते हुए सुबह सुबह गर्मी की मजा लेते हुए। मैं तो पानी पीती हूँ। हाँ, ये बर्फ खाती है ये। मैं तो खाली पानी तो पीती हूँ, है ना? हाँ। इसकी बर्फ वाली शक्ल देखो, ये पूरे दिन बर्फ खाती है। इसको बर्फ इतनी पसंद है, जब भी शेक बनाओ दृष्टि के जैसे। मम्मी बोलती है
ये तो तुम तो दृष्टि और तुम दोनों सेम हो। सेम है, पूरे दिन बर्फ खाते रहते हैं। बर्फ खाते रहते हैं, कभी भी देखो चलती फिरते। मम्मी खुद भी खाती है। मम्मी मम्मी आपकी भी कुछ शिकायत लगा दी है इसने। मम्मी क्या बोल रहे हैं, तुम बर्फ खा रही क्या? हाँ नहीं मम्मी, तो मुझे भी एक दे दो। तो मैं मिला नहीं, मैं तो खा नहीं रही। बोल रही लाद क्या मम्मी, बोल रही नहीं रहने दो बात। मम्मी को खुद ही पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, सबको पसंद है बर्फ खाना, सबको पसंद है। दूध उबल जाएगा ना तो गालियां पड़ेगी। मम्मी की चिढ़ाने लगी। तो फिर चलो, आज पार्सल आने वाला है, वो भी पहुंचने वाला है, बताते हैं आपको, है ना। चलो ठीक है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पार्सल आने वाला है, तो ये आ गया है पार्सल हमारा। तो किसके लिए मंगवाया है वो भी आपको अभी जस्ट पता चल जाएगा। और बस अभी मैं रूम में बैठी हूँ, भैया के भैया यहाँ कर रहे हैं काम शेयर मार्केट का। तो ये शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, बिजी चल रहे हैं, बिजी पर्सन है। सुबह उठते हैं, शुरू होते हैं, दोपहर तक है ना। हाँ, लोगों को बताते भी हैं कि कैसे इनिशिएट हुआ, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करना है। बस इस तरह से बैठे रहते हैं, दिन भर चलता रहता है इनका। कैसा चल रहा है वैसे आपका शेयर मार्केट का? बहुत अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है कि क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है? बढ़िया है सब, कंफर्मेशन आने पे हम प्रॉफिट्स ले लेते हैं। अच्छा, 1200 तो हमने ये पार्सल को मैंने भैया ने पूरा कर लिया है। इसका अब अनबॉक्सिंग करेगी माया, है ना, माया को देंगे हम। हमने इसको पूरा सेट कर लिया है तो दिखाएंगे आपको। माया आने वाली है अभी, जैसे ही आती है किचन में गई है 2 मिनट के लिए, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसी के हाथ से ही आपको अनबॉक्स करने पर बोलूँगी, वही करेगी, इसको देखेगी। वैसे हम दोनों ने इसको सेटअप कर दिया है, गिरीश भैया ने इसको पूरा रेडी कर दिया है, हमने मंगवाया है उसके लिए फ़ोन। तो कौन सा है वो उसी के सामने बताऊँगी मैं आपको। ओके, तो उसमें आने का वेट करते हैं। भैया समझाते हैं मेरे को, वो मेरा कुछ पल्ला नहीं पड़ता शेयर मार्केट में, सही बताऊँ ना मेरे को, बिल्कुल। ये मेरे को बहुत समझाते हैं कि आप कर लो, भाभी ये भी सीख लो, है ना, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। माया मैडम आ गई है, आप पानी बनाने लग गई थी कि क्या करने लग गई थी? पानी भरने गई थी, फिर मम्मी का भर दिया। हाँ, हमने सोचा पानी आज तो H2+ हो, केमिकल मिला के पानी बन रहे। हम वेट कर रहे थे कि आप आए और आप अपना पार्सल खोलें। ये है हमारा नया फोन, ये देखो। कुछ नहीं है क्या फोन लेके? क्यों हाँ, ये डांस करने। ये तो ये कौन सा फ़ोन मंगवाया है हमने? हमने मंगवाया है नियो 9 Pro IQ। देखो पोज दे रही है ये। और इसका कलर है ये ऐसा। तो कैसा लगा आपको फोन? मस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। कलर बहुत अच्छा लगा। यूज़ करने के बाद पता चल गया कि नहीं, यूज इन्होंने सेलेक्ट किया है। यूज तो हम करेंगे, हमें पहली बार का IQ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है ना। और भैया ना बता रहे थे, इसका क्या बता रहे थे आप, लेदर का है क्या ये? इसका बैक कवर लेदर का है, इसी कोट का नहीं है। हाँ, वरना तो आप इसके हाल देख सकते हैं, भैया के खुद के फोन के हाल देख सकते हैं। मेरा गिर के कितनी ऊंचाई से गिरा है, लेकिन पीछे का पूरा डैमेज हो चुका है, फ्रंट में कभी कुछ नहीं हुआ। प्रीमियम मोबाइल की यही खासियत होती है कि इसका AMOLED स्क्रीन होती है, बहुत रेशांस होता टूटने का, अदरवाइज बैक से तो टूटता ही है। पर वो नहीं टूटेगा क्या? हाँ, IQ का एक है कि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं। IQ हमारे घर में तीसरा फोन है, ये भैया को 3 साल है यूज करते हैं। हाँ भैया को, मेरा ये मोबाइल 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो गया, इसके आज तक अभी कोई प्रॉब्लम मैंने इश्यू फेस किया नहीं। हाँ, आशीष के पास है, मेरे पास वन प्लस है, हम एक वन प्लस वाले हैं, बाकी ये सब IQ वाले हैं, हम ही एक अलग है। हाँ, मम्मी का अलग है, मम्मी का अलग है, बाकी हमारा। और तो हमने ये गिफ्ट दिया है, तो हमारा फाइनली गिफ्ट पेंडिंग था,
तो हमने इनको दे दिया है। शादी का गिफ्ट हमारा बाकी था, शादी का गिफ्ट है, शादी का गिफ्ट बाकी था आशीष भैया और रितु भाभी की तरफ से। हाँ, शादी का गिफ्ट है। हाँ, तो पसंद आया आपको? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए थैंक यू सो मच। वेलकम भाभी, फोन जरूर बताना कैसा लगा। हाँ, आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा, है ना। चलो इसका कैमरा चेक करते हैं अपन कैसा है। ऑन करो इसको, ऑन करते हैं। सबसे पहले की भैया की फोटो लेते हैं। हाँ, दिखा ना, तो इसमें मैं खुद दिख रही हूँ। तो मैं खुद ही दिख रही हूँ, अपनी ही फोटो ले लेती हूँ। हाँ, तो इसकी कैमरा की क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी भी है। हमने देखो पूरा तैयार कर लिया था आपको दिखाने के लिए, इसको वापस से अनबॉक्स में डाला है। तो ये लीजिए आपका फोन। तो हम दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगी, पहले तो ये बताना। लोग सब पूछते रहते हैं तुम दोनों क्या करते हो दिन भर, तो आपने देख लिया और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बताते रहे ना कभी कभी। अब मैंने बोला है थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, वीक में एटलीस्ट हमने सोचा है कम से कम दो बार तो ब्लॉग डालें, चाहे कुछ भी डाले चाहे कैसा भी डाले, रैंडमली थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे हम लोग जब भी टाइम मिले। पकड़ना, हम दिख नहीं रहे, हम मोटा बहन है ना, ऐसे दिखते हैं पूरे दिन, है ना हमारा ऐसे ही जा रहे, पूरे दिन हम ऐसे ही करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो आप लोग पूछते हो ना आप दोनों ऐसे क्या करते हो, कैसी बॉन्डिंग है, तो वो आपको पता चलती रहेगी हम लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि बंदा खुद अच्छा होता है ना तो अपने साथ उसको खुद को अच्छा लगता है ना। तो हम दोनों का एकदम वाइब मैच हो गई, जैसा कि आजकल बिग बॉस में चला हुआ है वाइब मैच हो गया, पूरा दिन ऐसे ही जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो माया के साथ मेरा टाइम पास एकदम परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो हम बस गिफ्ट मिल गया, थोड़ा बहुत हम काम लगेंगे और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चले अब फोन आ गया, इस खुशी में खाना किचन नहीं भूलना है, चलो काम लगते हैं वापस से। हाँ ठीक है, है ना, खाना वाना बना लेते हैं। हाँ, अब हम जा रहे हैं, रोटी वोटी बना लेते हैं, किचन का काम फ्री कर लेते हैं, फिर दृष्टि को लाने का वापस से टाइम हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। One hour later. तो गाइस हमारा खाना वाना बन गया, मोस्टली काम फ्री हो चुका है और राइस भी बन चुके हैं, तो काम हो गया फिनिश। तो चलिए आज के लिए व्लॉग इतना ही, व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।